हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून जी। कैसे हैं सब? तो स्वागत है जी आपका मेरे चैनल में। तो टाइम हो रहा है 3:30 और मैंने कपड़े धोए हैं अभी जस्ट कपड़े धो के डाले हैं। फैन ऑन कर दिया है मैंने, मेरे थोड़े से सूख जाएंगे। मैंने जाना फंक्शन में, सोच रही थी ये वाला सूट डाल के जाऊँगी, थोड़ा सा गीला गीला सा है, साथ में सूख जाएगा। आज बर्थडे है छोटे से लड्डू का, तो मिलवाऊँगी मैं से भी आपको। तो बाहर का जो मौसम बड़ा अच्छा है, धूप धूप सी, आजकल ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। मेरी तबीयत जो ख़राब थी उसकी वजह से मैं कपड़े नहीं धो पा रही हूँ, इतने कपड़े पहनने को भी नहीं थे, इतने कपड़े हो गए थे आज मैंने धो लिए सारे। तो जी आज दिन शनिवार है, शनिवार को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने कपड़े धो लिए फिर भी। और मम्मी होती तो बोलती, मम्मी गई हैं शादी में, बोल देती कि शनिवार को कपड़े क्यों धोए हैं, गुस्सा करते हैं वो। आज मैंने पहली बार कपड़े धो लिए, बाद में पता चला मुझे आज शनिवार है। अभी अभी जस्ट बुढ़िया ने बताया कि आज शनिवार है, तो चलो हो जाती है गलती, भूल चुक तो हो ही जाती है, कोई बात नहीं। तो मम्मी और सिस्टर भी आएंगे बर्थडे में, इनको भी इनवाइट किया है। तो अभी नीचे जा रही हूँ मैं रूम में प्रेस करने के लिए कपड़े, देखते हैं अभी टाइम क्या हो रहा है। ऋषि बस 4:45 हो गए हैं, डैडी के लिए चाय वाय बना देते हैं अभी, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जी चलो चलते हैं जी। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ घर को लॉक, और मेरे मम्मी और मेरे सिस्टर भी हमारे साथ ही हैं, वो दूसरी गाड़ी में हैं, हम लोग इकट्ठे ही जा रहे हैं। जिस टाइम वो घर पे आए ना तो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सब लोग रेडी होने में व्यस्त हो गए। तो जी देखिए मम्मी और दीदी हैं साथ में, पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे, और इनके पापा और जोनी है जो वो गाड़ी लगा रहे हैं साइड में। तो यहाँ जी हम आ गए हैं ऊपर हॉल में और मिल रहे हैं सबसे। ये है वो जिन्होंने हमें इनवाइट किया है, ममता जी, ये सबसे मिल रहे हैं, दीदी से, मम्मी से, मेरे से, ये इनके हस्बैंड हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो केक नहीं कटा था उस टाइम, टाइम था अभी, उन्होंने 5:30 का टाइम रखा हुआ था। सब लोग इकट्ठा होने में भी टाइम लगता है। और उसके बाद जब हम आए तो हमने पहले फिर स्नैक्स वगैरह लिया और उसके बाद जो केक कटा। केक काटने के बाद डांस वगैरह किया सब ने, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मेरा तो बड़ा मन था कि मैं भी डांस करूं ऐसे, ये ममता डांस कर रही है, मुझे बड़ा शौक है डीजे पे डांस करने का। और क्योंकि मैं उस टाइम नहीं जा पाई, मेरे को बड़ी मतलब बड़ी शर्म सी लग रही थी, तो मैंने डांस किया ही नहीं है। तो उसके बाद हम लोगों ने सब ने डिनर किया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा हमें, सच में तो बड़ी स्वीट फैमिली है, बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगा हमने। और फिर डिनर वगैरह करने के बाद जो माता जी का जागरण था
तो उसमें भी हम लोग जो मतलब शामिल हुए, हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि जो हमारे डैडी थे वो थे घर पे, अकेले थे, मम्मी शादी में गए हुए थे, तो इस वजह से ना फिर भी हम 1-1.5 बजे हम घर पे आ गए थे। काफ़ी टाइम था जो हमने माता के चरणों में हाजिरी दी, आशीर्वाद लिया उनसे। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, हम ये मोमेंट कभी नहीं भूल सकते। बहुत 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 अच्छा लगा। प्रार्थना है टेंट में गिरे से माँ के नाम पर खुशी है कि चलो बुलावा आया है और माता की जो है जी शर्मा पानी से तमाम रात माँ के घर बुला और सुंदर सुंदर झाँक
तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, चलो बाग में खेलने चलते हैं। देखो कान्हा, मैं तुम्हारी सारी चालाकियां समझती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं खेलूंगी, मुझ पे डोरे डालना बंद कर दो, समझे? राधा तेरी चुनरी है लाल लाल रे, राधा तेरी चुनरी।